दोस्तों वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ सिस्टर के घर। आप सभी को लोगों को पता है कि सावन का महीना चला हुआ है, तो जो सावन की कोथली है वो लेके मैं जा रहा हूँ सिस्टर के घर। तो जो आज का व्लॉग है वो थोड़ा बहुत मोटा व्लॉग होने वाला है। और अपने मास्टर जी है, क्या खा रहा है भाई? कौन ले गया? मम्मी की भी अभी सावन की कोथली आई है और अपना लक्की वही खा रहा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है ताकि जो इसकी वॉइस है वो आप तक ना आए, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आती है। और आप लोग एक बार मैं बाइक दिखा देता हूँ, बाइक फुली लोडेड कर चुका हूँ मैं। ये देखो बाइक अपनी लोडेड है। जब से मैंने बाइक ली है तब से इस पर जो अपने सैडल बैग है वो नहीं लगाए हैं, सैडल स्टे वगैरह सब कुछ लगा चुका हूँ मैं, लेकिन अभी तक कोई मौका नहीं मिला कहीं पे भी जाने का, तो अभी तक बैग इस पर नहीं लगे थे। अब फर्स्ट टाइम है कि मैंने इस पर बैग लगाए हैं। ये देखो और ये कुछ सामान आया है जो मम्मी की अभी कोथली आई है, ये सारा सामान निकाल के रखा है, वही लक्की खा रहा है अभी। और हमारे लिए चाय बन रही है, अभी चाय पी के निकलते हैं फिर। ये हमारे लिए भी सामान आ गया खाने पीने का, अब इसको खाते हैं, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। हमारा जो बैग है वो भी रेडी है, कैमरे वाला बैग, लक्की तो पूर्वी। हेलो बोलो पूरी सबको, हेलो, नमस्ते कर दो, नमस्ते, हेलो, बाय। बारिश इतनी तेज़ हो रही है, देखो बच्चे नहा रहे हैं और पानी जो है नदी के अंदर बिल्कुल ही बारिश वाला आया हुआ है, क्योंकि बिल्कुल मिट्टी वाला पानी आया हुआ है जो पहाड़ों से आता है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रखी है पहाड़ों में, पानी का जो बहाव है वो भी काफ़ी तेज़ है। और ये मैं गांव से अभी निकल रहा हूँ, डेढ़ घंटे के आसपास का टाइम लगेगा, बिल्कुल आराम से जाएंगे क्योंकि हम तीन हैं बाइक पर, तो थोड़ा सा आराम से ही जाना पड़ेगा। रास्ता तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, रास्ते की तो टेंशन नहीं है कोई भी। पेट्रोल डलवा लेते हैं बाइक के अंदर, क्योंकि अभी लो फ्यूल दिखा रही है बाइक। और एक पॉपअप हो गया, सुबह से मैं स्कैन करने की कोशिश कर रहा अपने गूगल पे को, वो स्कैन नहीं हो रहा था और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्यों स्कैन नहीं हो रहा है, लेकिन जब अभी बाद में देखा कि नहीं उसके पीछे ना एक कागज़ आया हुआ था कैमरे में, इसलिए स्कैन नहीं हो रहा था, लेकिन लकली वो मैंने देख लिया। अब जैसे वो मेरा फ़ोन लेके आया था अब हो गया है, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वापसी के लिए घर से चल पड़े हैं अभी, और कल इसी जगह पे हमने एक बहुत ही बढ़िया रील बनाई है इंस्टाग्राम के लिए और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डाला है उसको, आप लोग देखना कि कैसी बनी है। सुबह काफ़ी अच्छी बारिश हुई है यहाँ पे, लेकिन अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने राइडिंग गियर्स पहन रखे हैं ना उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये पाथरी वाली माता के मंदिर है और ये काफ़ी फेमस है, बुधवार को यहाँ पे को इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक जाम होता पूरा। यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि जैसे माउंटेन्स के अंदर आ गए हैं, पूरी ग्रीनरी है। थोड़ी सी आगे चलेंगे तो और एक कर्व आएगी ऐसे जो कि बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे कि पहाड़ों के अंदर होती है ना, बिल्कुल सेम ऐसे लगती है। साइड नदी है इसलिए थोड़ी सी ग्रीनरी ज़्यादा है यहाँ पर, बीच में जो है यहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी हैं। ये देखो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हम माउंटेन्स के अंदर चल रहे हूँ, बिल्कुल सेम कर्व आ रही है। माइक की मैंने कई बार पोजीशन चेंज करके देख ली
पता नहीं क्यों आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड से या नॉइस की जो विंड ब्लास्ट आता है वो आता है। डेढ़ घंटा हमें लगेगा यहाँ से घर पहुँचने में, ये है तकरीबन 60 किलोमीटर, लेकिन ये सारा रास्ता ना गांव के अंदर से होके जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर यही 60 किलोमीटर हाईवे पे होता तो 40 मिनट लगनी थी, 45 से 50 मिनट, लेकिन अभी ऐसा है कि गांव का रास्ता है, थोड़ा आराम से चलना पड़ता है, ब्रेकर काफ़ी आते हैं तो, और जल्दी हमें भी कोई नहीं है, बिल्कुल आराम से पहुँचेंगे। ज़बरदस्त वाली लोकेशन आ रही है ये, तो ग्रीनरी इतनी अच्छी आ रही है कि मज़ा आ रहा है, इनको देख के माउंटेंस की याद आ जाती है। यहाँ से अगर आप लेफ़्ट में जाओगे तो आप पहुँच जाओगे जींद और हिसार की तरफ, अगर आप राइट में जाओगे तो आप पहुँच जाओगे पानीपत की तरफ, और जहाँ से मैं आया हूँ अगर वहाँ इसी रोड पे सीधे जाओगे तो आप पहुँच जाओगे गोहाना, रोहतक, रोहतक से आप आगे जहाँ भी जाना चाहो जयपुर, बहादुरगढ़, राजस्थान की तरफ आप पहुँच जाओगे। हमें जाना है यहाँ से शॉर्टकट लेके इधर से करनाल की तरफ, यहाँ से शॉर्टकट है करनाल के लिए, नहीं तो आपको पानीपत से होते हुए आना पड़ेगा। ये बीच का रास्ता है और इस रोड पे कोई टोल टैक्स भी नहीं है, अगर आप गड्डी से आ रहे हो, अगर आपको टोल टैक्स बचाना है तो आप इस रोड से जा सकते हो। आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा ये आम का बाग है, अभी तो काट के से छोटा कर दिया है, पहले ये बहुत बड़ा होता था, ये सामने ट्यूबल दिख रहा है ना, यहाँ तक ये वो पूरा होता था, काट के अब छोटा कर रखा है इसको, कम से कम 2-3 किलो का ये काट दिया है। और पिछले कुछ सालों से ना इतने ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और ये प्रॉब्लम हमने देखी भी अभी कोरोना काल में, जब हमने ऑक्सीजन को ख़रीदा है और ऑक्सीजन के बिना लोगों को मरते हुए देखा है, इतनी तेज़ी से पेड़ काटे जा रहे हैं जो आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बनेंगे सभी के लिए। थोड़ा सा भीड़ा रास्ता है ये बिल्कुल ही खेतों के अंदर से आता है, थोड़ा छोटा तो है लेकिन थोड़ा सा टूट भी रहा है, लेकिन इतना भी ख़राब नहीं है कि यहाँ से आ नहीं सकते। अगर मैं ऊपर से घूम जाता था कम से कम मेरे को 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा आना पड़ता, तो अभी यहाँ से थोड़ा सा कि 5-6 किलोमीटर मेरे बच जाते हैं, और लेकिन अगर आप अंधेरे में आते हो यहाँ से तो सेफ नहीं है ये रास्ता, क्योंकि बिल्कुल ही सुनसान रास्ता है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो आप ऊपर से घूम के आना। यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, ओए तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। तुम यानी आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ से भी दो रास्ते हैं, अगर आप लोगों को करनाल जाना, जैसे करनाल सीधा भी जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो, आप सीधा जाओगे तो आप घरोंडा निकल जाओगे, अगर आप नदी के साथ साथ जाओगे राइट में तो आप पानीपत रिफाइनरी के अंदर चले जाओगे। यहाँ से हमारा गांव रह गया है लगभग 18 किलोमीटर, क्योंकि 25 किलोमीटर करनाल है यहाँ से, और मेरा गाँव करनाल से 7 किलोमीटर पहले है, और ये ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है, लद्दाख के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। बाइक कई दिन से मैंने बारिक्स में चला ली है तो अब ये धोने के लिए हो गए, और ये एक वाटर क्रॉसिंग लद्दाख के अंदर अपनी जो बाइक है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है, इसलिए बाइक को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं। आप लोगों को मैं बाइक दिखा देता हूँ, ये देखो बाइक बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पूरे रास्ते में ना बारिश थी, पानी भरा हुआ था काफ़ी जगह, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा बाइक को भी धो लेता हूँ, क्लीन कर लेता हूँ बाइक को एक बार। हाँ भाई बोलो, बोल रहे हेलो, क्यों जा रहा है, बोल रही हूँ कहाँ आजा बैठ जा, फिर इस तरफ बैठ, तू बैठ ना, इन्हें कौन बैठना आंदा, तू बैठिए Let's go.
बाइक चला के काफी ज्यादा मजा आया अपनी डोमिनार चला के, और डोमिनार अब दो के बिल्कुल साफ क्लीन करके मैंने खड़ी कर दी है। अब कहीं पे भी राइड पे जाएंगे तो अपनी डोमिनार को चलाएंगे। अभी तो राइड का कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, लेकिन देखते हैं जैसे ही कोरोना थोड़ा सा कम होता है और ये बरसात अभी माउंटेन समेत इतनी ज्यादा हो रही है कि जाने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। जैसे ही बरसात कम होती है तो कहीं ना कहीं का टूर जरूर बनाएंगे। और लक्षित अभी तक खेल रहा है, 9 बज गए हैं, अभी तक सोया नहीं है। देखो किस टाइम सोगा? तीन। नमस्ते करें सभी को। राम राम। हेलो गाइस, कैसे हो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।